सत श्री अकाल जी सारे नूं एक बार फिर तो स्वागत है जी तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मास्टर 07 एग्जाम वॉरियर दे विच। लगातार पंजाबी विषय नाल संबंधित वीडियोज असीं अपलोड कर रहे हैं जी। उहदे विच लैक्चर सीरीज़ और क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो होंदी है। डेली 2 बजे साडी क्लास होंदी है जी दोपहर नूं। उहदे विच साडी MCQ जो मॉक टैसट होंदा जी लाइव क्लास, उहदे विच जरूर तुसीं शामिल हो जी सारे। जे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता जी जरूर कर लो। PDF तुसीं लै सकदे हो जी जिन्ने भी साडियां हुण तक जो वीडियोज़ है जी लैक्चर सीरीज़ या क्वेश्चन सीरीज़ दियाँ। 6000 MCQ सीरीज़ है जी। टॉपिक वाइज बहुत सारिया वीडियोज़ लगभग 100 तो ज़्यादा वीडियो साढ़े चैनल उपर है पंजाबी विषय दियाँ, तुसी जरूर देखो जी सारिया। PDF लैन के लिए तुसी साडे व्हाट्सएप कर सकते हो जी 8264436201 के उपर। इस नंबर के उपर संपर्क करके तुसी कोई भी PDF साढ़े को लै सकते हो। शुरू करते हैं जी अज की वीडियो। लैक्चर सीरीज की वीडियो रहेगी जी कहानीकार होणगे साडे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफर। गुरमुख सिंह मुसाफर जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी, उन्होंने बारे दे विच अज दी साडी वीडियो रहेगी। शुरू करदे हां जी वीडियो नूं। जन्म इन्हां दा होया जी 15 जनवरी 1899 नूं। 18 जनवरी 1976 नूं जिहड़ी इन्हां दी मौत हुई है। पंजाबी कवि भी इन्हां ने कवितावां भी लिखियां जी। कहानीकार दे तौर ते इन्हां दी पहचान है। आजादी घुलाटिए और एक राजनीतिक नेता भी इह रहे हैं जी। गुरमुख सिंह मुसाफिर के बारे कहा जाता जी कि अजिहा लेखक है जी जिहड़ा साहित नाल भी जुड़िया सी और स्वतंत्रता संग्राम के नाल भी, दोनों चीज़ों के नाल जुड़िया होया लेखक सीगा। कहानी उहदी राजनीतिक चेतनता वाली हैगी जी, क्लीयर गल है, क्योंकि राजनीतिक शख्सियत हैगी जी, फिर कहानियों के उपर उस चीज़ का प्रभाव रहेगा। उहदियां कहानियां जिहड़ियां जी स्वतंत्रता संग्राम जिहड़ा हैगा और उहदे विच भाग लैण वाले जिहड़े संग्रामी हैगे उहनां दी दृढ़ता और अंग्रेज़ों का जो उन्होंने उपर जुल्म है और राष्ट्रवादी भावना, ये कहानियों के विषय है। तो प्रश्न पेपर के हो सकता जी कि राष्ट्रवादी कहानीकार कौन है। राष्ट्रवादी कहानीकार है गुरमुख सिंह मुसाफर। गुरमुख सिंह मुसाफर जोड़े वह राष्ट्रवादी कहानीकार है। हाँ जी, उन्होंने 1978 जी निक्की कहानी का जो संग्रह से उरवार पार साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलया। ये भी याद रखना जी, गुरमुख सिंह मुसाफर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलया और वार पार कहानी संग्रह लिए 1978। गल जीवन की कर लिए जी, संखेप दे विच करांगे। जीवन उन्होंने पछमी पंजाब दे विच जन्म होया कैंबलपुर जिला और पिंड का नाम कस्बा सी अदवाल। फादर सुजान सिंह सीगे जी, खेतीबाड़ी सी करदे सी नाल शाहूकारे का काम भी करदे सी। गल रचनावां दी कर लिए जी, गुरमुख सिंह मुसाफर दियां जिहड़ियां बहुतियां कहानियां उन्होंने जेल जीवन नाल ही संबंधित है। ठीक है जी, जो जेल दे विच उन्होंने जिंदगी जी है उत्थे अपने अनुभव देखे है, जेल दे अंदर जो भी चीज़ा उहदे नाल उन्हां दी संबंधित कहानियां रहियां। भावना जिहड़ी उन्हां दी दृष्टिकोण हैगा उह देश भगती और राष्ट्रवादी भावना, उहनूं आदर्शवाद दे दृष्टिकोण दे नाल उहने पेश कीता। आदर्शवादी दृष्टिकोण है जी, देश भगती और राष्ट्रवादी भावना जिहड़ी उन्हां दी कहानियां दे विच हुंदी है। गल कला दी कर लईए जी, कला दे पक्खों कोई ज़्यादा उपर उठी कहानी नहीं कह सकते। अंदाज उही रिवायती है जी, जिदा का मुढ़ला दौर सेगा कहानी का उही कहानी दे विच नज़र आता। पछम का प्रभाव ज़्यादा इन्हां दे उपर नहीं है। कहानी कला के पक्षों जिदा असी गल की है कि मुढ़ले दौर तो उपर नहीं उठी हैगी, शुरुआती दौर की कहानी आप कह सकते। पर जिहड़ी चीज़ पाठक नूं खिंचदी है प्रभावित करती है वह उन्हां दा अनुभव है, क्योंकि जिनी भी कहानी है निजी तजर्बे निजी अनुभव के विचों निकलती है। गुरमुख सिंह मुसाफर उन्होंने बारे कहा जाता जी कि अनुभव का लेखक है और जो कुछ भी लिखता वह हड्डी हंडाया हों, इस करके वह यथार्थवादी बन जाता। भावें कहानी जी आदर्शवादी है उन्हों की रवायती दौर की है, पर क्योंकि जो लिखा वह हड्डी हंडाया होया इसलिए वह यथार्थवादी हैगा। पर कहानी जी है वह विचारधारा यथार्थवादी उन्हों की नहीं हैगी, आदर्शवादी है। सब तो हथियार उन्होंने व्यंग में बनाया जी, व्यंग के माध्यम के नाल अपनी कहानियों की उसारी की है। ये उन्होंने कहानी जी बागी दी धी है वह बिल्कुल उन्होंने अपनी हड बीती है। कुछ होर चर्चित कहानियां गुटार आलने के बोट ये भी वर्णन योग है। तो जेल जीवन के नाल जिहड़ियां संबंधित कहानियां उन्होंने सब अच्छा तो वक्री दुनिया, ये दो कहानियां जेल जीवन के नाल संबंधित है। ठीक है जी, जिदा असी पहला गल की है जी कहानियों के राष्ट्रीय संग्राम की गल होंदी है, उहदे नाल संबंधित होंदियां देश सेवा की भावना और आजादी घुलाटियां का जिहड़ा कठिन जीवन सीगा और जिहड़ा वह उन्हां दा इहदे विच नज़र आ रहा सी कहानियों के अंदर। आजादी घुलाटियां का जीवन है, आजादी का जिहड़ा संग्राम है उहदे अनुभव उन्होंने दसे है। प्रसिद्ध कहानियां की गल कर लिए जी, सब अच्छा सब तो प्रसिद्ध उन्हां दी कहानियां दे विच है हिंदू पाणी, मुसलमान पाणी, बागी दी धी, एक नवां पैसा। ये कहानियां याद रखनियां जी, कहानी नाल प्रश्न पूछे जाते हैं।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 1949, ਆਲਣੇ ਦੇ ਵੋਟ 1955, ਕੰਧਾਂ ਬੋਲ ਪੀਆਂ 1960, 27 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ 1962, ਗੁਟਾਰ 1942, ਸਭ ਅੱਛਾ 1954, ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 1956, ਔਰ ਵਾਰ ਪਾਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 1949, ਆਲਣੇ ਦੇ ਵੋਟ 1955, ਕੰਧਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ 1960, 27 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ 1962, ਗੁਟਾਰ 1942, ਸਭ ਅੱਛਾ 1954, ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 1956। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜੀਵਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ 18 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।